अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW का आज हुआ ऑल आउट पेपर व्यू नहीं तुम लोगों को बता दूं, आज शिकागो में AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के ओपनिंग के ऊपर ही ROH का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर एडम कोल और MJF ROH का टैग टीम चैंपियनशिप जॉन सिल्वर और एरिक्स डनवर्ड को खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर डार्क ऑर्डर वर्सेज एडम कोल और MJF के इस मैच के अंदर आज यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर हमें एडम कोल और जॉन सिल्वर के बीच में जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता है। बट गाइज, इसके बाद जब मैच के अंदर MJF टैग करके अंदर आते गए तो गाइज MJF अकेले पूरे डार्क ऑर्डर की वाट लगा देते गए, जहां पर MJF इस मैच के अंदर बैक टू बैक हमें ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए सिल्वर ब्रेन बस्टर और नेक ब्रेकर हिट करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर जॉन सिल्वर और एरिक्स डनवर्ड MJF को मॉक करते हुए MJF के ऊपर ही डबल क्लोज लाइन लगाते हुए दिखाई देते गए, और गाइज एक टाइम पर लिटरली ये लगता है कि MJF इस मैच को हारने वाले गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहां पर MJF इस मैच को टर्न आउट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर MJF हमें डार्क ऑर्डर के ऊपर फाइनली उनका डबल क्लोज लाइन फिनिशर लगाते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि यहां पर एडम कोल एलेक्स रेनवल को पिन करके इस मैच को जीतकर ROH के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है, यहां पर जब MJF वॉकआउट करके जा रहे होते गए, तभी समूहा जो अरिना में आ जाते गए, और गाइज समूहा जो और MJF रैंप पर एक दूसरे से मिलते गए, जहां पर समूहा जो MJF को सोब आउट करते हुए पीछे ढकेलते हुए दिखाई देते गए, और इसकी वजह से MJF काफी ज्यादा एंग्री होते गए। बट गाइज यहां पर सिक्योरिटी के द्वारा MJF को